नमस्कार, नेशनल वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टॉप 7 at 7। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से शनिवार को बड़े बकायेदार सरकारी भवनों के काटे गए कनेक्शन फिर से जोड़ दिए गए हैं। एक तरफ शनिवार को पूरे दिन बिजली कनेक्शन काटे गए तो वहीं पूरी रात आपको बता दें कि बिजली कनेक्शन जोड़े भी गए हैं। दारुलसफा विधायक निवास, जवाहर भवन, इंदिरा भवन व VVIP गेस्ट हाउस समेत कुल 10 सरकारी इमारतें चपेट में आई थी। इनमें से दारुल शफा सबसे बड़ा बकायेदार था, जिस पर लगभग 6 करोड़ बिजली का बिल था। वहीं इन सभी इमारतों को की बिजली को भी जोड़े जाने के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं नेशनल वॉइस के हाथों एक ऑडियो लगा है जिसमें लेसा चीफ AK सिंह अपनी मजबूरियां गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जरा आप भी सुनिए कि क्या कहना है लेसा चीफ का दोबारा बिजली जोड़े जाने पर। जी साहब, भैया आप उसको जुड़वा दीजिए। इस समय बात हो गई, अभी चेयरमैन साहब का 2-2 बार फोन आ गया मेरे पास कि जब मैंने अश्योर किया था तो 3 घंटे क्यों लग गए अभी तक। मैंने कहा सर वो विरोध थोड़ा हो रहा था, उसको मैंने सब्सिडाइज करने के लिए किया था। और उन्होंने कहा, जब मैंने कहा कि मैं सबको तो कह नहीं रहा हूँ कि सब जोड़ दो, इसका मैं अश्योर कर रहा हूँ, उसी के लिए बोल रहा हूँ ना जी। तो उनका नहीं तुम्हें बताना चाहिए था, तुमने कहा फोन नहीं किया जी। फिर मैं भी देखता। मैंने कहा सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, सब लोग प्रेशर में थे इसलिए ऐसा था। तो मैं कन्वे कर रहा हूँ कि आपका एश्योरेंस हो गया है कि इसका पेमेंट देने जाने की बात हो गई है तो उसको दे दिया जाएगा, इससे उसको हम जुड़वाए दे रहे हैं। बाकी के लिए अभी थोड़ी कहा गया है, क्योंकि वो वहां पर शायद पहुंच गए हैं सब वहाँ CM के यहाँ। जी सर। हाँ, सब CM के यहाँ पहुंच गए हैं विधायक लोग। तो वो प्रेशर में वो भी है, वो कह चुके, यही कहे गलती हमसे ये हो गई, हमने MD से बोला, इनसे नहीं कहा कि अभी थोड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है इसका। तो खैर अब वो हमारे खिलाफ कह रहे थे कार्रवाई करेंगे, तो हमने कहा ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, गलत तो हो ही गया हमारा, उनको नहीं बताया हमने, ऐसे कंप्लायंस तो होनी चाहिए। इसको करवा के जल्दी बताइए भाई, प्रायोरिटी वाइज आप कह दीजिएगा चीफ ने बोला आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, बताऊंगा जिसको कहना होगा। ठीक है सर, ठीक है, जल्दी करा दीजिए। तो देखा आपने, ये ऑडियो हमने आपको सुनाया है। उत्तर प्रदेश की सत्ता का केंद्र यानी राजधानी लखनऊ में बिजली बिल के बकाए को लेकर सरकारी विभागों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बिजली विभाग ने बकाया वसूली को लेकर कड़ी कार्रवाई करते हुए इस महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की बिजली काट दी है। ऐसे में हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रजनीश, आपसे जानना चाहूंगा क्या अपडेट मिल पा रही है इसको लेकर। अब बिल बड़े बड़े संस्थानों पे बकाया था, जहाँ पे माननीय विधायक रहते हैं, बड़े बड़े विभाग के सचिवालय चलते हैं, कर्मचारी रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो मार्च का महीना होता है वो फाइनेंशियल महीना होता है। इसमें हर एक विभाग चाहता है कि हमारा जो बकाया लेन देन हो उसको पूरा कर लिया जाए, लेकिन हम आपको बता दें कि अचानक जो बड़े बड़े मंत्रियों के अलाट बंगले हैं, जिसमें डिप्टी CM केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, इन लोगों की बंगले की बकाया बिल 40 लाख, 13 लाख, 12 लाख मंत्रियों का हाल है, क्योंकि मंत्रियों का बंगले के रख रखाव का खर्चा राज्य संपत्ति विभाग करता है। तो बता दे गौरव, कम से कम 20 करोड़ के आसपास राज्य संपत्ति विभाग को बिजली बिल का बकाया है। सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से छोटे छोटे उपभोक्ताओं को बिजली विभाग द्वारा परेशान किया जाता था, अगर 10,000 की भी अमाउंट होती है तो उनका बिजली काट दिया जाता था, लेकिन सोचने वाली बात है कि जहाँ करोड़ों करोड़ों का बकाया है वहां से निर्विवाद रूप से बिजली चल रही है। हालांकि एक नोटिस जरूर जारी किया गया है, तो जहां तक लोग बता रहे हैं, विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि एक फॉर्मेलिटी है, बिजली विभाग दिखाना चाहता है आगे कुछ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वही चीज है कि जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहां पे बिजली विभाग द्वारा दो तरफा कार्रवाई की जा रही है। जो ऑडियो नेशनल वॉइस के हाथ लगा, जिसमें लेसा चीफ AK सिंह ने भी साफ तौर पर कहा है कि उन पर दबाव बनाया गया है जिसके चलते उन्होंने ऐसा काम किया है। देखिए, ये जो मामला है वो दारुलसफा का है, जहाँ पे विधायक रहते हैं, विधायकों की रेलाट आवास है और उसकी पूरी पूरी तरीके से जिम्मेदारी राज्य संपत्ति विभाग का है। तो वहाँ कुछ बकाया था, 6 करोड़ के आसपास बकाया था, वहाँ बिजली विभाग द्वारा बिजली काट दी गई, कनेक्शन विच्छेदन कर दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर लेसा चीफ
फोन से दबाव बनाते हैं अपने नीचे के कर्मचारी पर, बिजली जुड़वा देते हैं, तो सबसे सोचने वाली चीज है कि जब आम जनमानस का बिजली कटता है तो जब तक कुछ ना कुछ विभाग बिल के रूप में रिकवर नहीं कर लेता है तब तक कनेक्शन नहीं देता है, लेकिन वहाँ 6 करोड़ के आसपास का बकाया है और दबाव में बिजली बिल फिर से जोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है सबका साथ सबका विकास, ये तो दो तरफा करवाई, एक तरफ सरकार कहती है कि वीवीआईपी कल्चर पूरी तरीके से खत्म हो गया है, दूसरी तरफ जिस भवन का बकाया है उसमें विधायक रहते हैं इस नाते बिजली का कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। तो ये तो सोचने वाली चीज है, कहने वाली चीज है, जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टियां इस पर उंगली उठाएगी। तो ऐसे में बिजली को लेकर जो ये बिल सामने आया है उसका भुगतान कब तक होने की बात कही जा रही है? हालांकि दोबारा से कनेक्शन तो दबाव में जुड़वा लिया गया, सरकार ने जुड़वा लिया है, लेकिन इसका कब तक हो पाएगा भुगतान? राज्य संपत्ति विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं था और जरूर इस पर कुछ न कुछ जरूर अपडेट आएगा, अभी अभी आधिकारिक बयान कुछ नहीं आया, हालांकि जो नीचे के अधिकारी थे वो बात करने से बच रहे थे, तो हम लोग इंतजार करें आखिर होता क्या है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीश जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं यूपी मंत्रियों के आवास पर कितना बिजली का बिल बकाया है। तो सुरेश खन्ना मंत्री हैं, तकरीबन 10 लाख रुपए का बकाया है, और वहीं सुरेश राणा के ऊपर आपको बता दें 9.25 लाख रुपए का बकाया है, स्वामी प्रसाद मौर्य 2.63 लाख रुपए बकाया है, और वहीं केशव प्रसाद मौर्य उनके ऊपर तकरीबन 11.25 लाख रुपए बकाया है, नंद गोपाल नंदी तकरीबन 2.75 लाख रुपए बकाया, सूर्य प्रताप शाही 9.5 लाख रुपए बकाया, सत्यदेव पचौरी 2.25 लाख रुपए बकाया, सतीश महाना 25 लाख रुपए बकाया, दिनेश शर्मा 40 लाख रुपए बकाया। तो ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं, स्वाति सिंह 17 लाख रुपए बकाया, सिद्धार्थनाथ सिंह पे 4.25 लाख रुपए बकाया, स्वतंत्र देव सिंह पर भी 4.25 लाख रुपए बकाया, तो श्रीकांत शर्मा पर आपको बता दें कि 7.25 लाख रुपए बकाया, तकरीबन 6.5 लाख रुपए बकाया है, सुरेश खन्ना पर 9.25 लाख रुपए बकाया।